नॉर्मल इंडियन बाइक से अगर स्विच कर रहे हैं निंजा पे, तो भाई उनको दिक्कत होने वाला है। 400 के सीसी में भाई इससे महंगी बाइक मैंने कभी नहीं देखा है। ये जो टेल लाइट है ना भाई, एकदम आपको टेनार का याद दिलाएगा। तो यार फिर एक नया दिन और फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। लास्ट नाइट भाई काफी ज्यादा बारिश हुआ है, जिसके कारण काफी ज्यादा कीचड़ कीचड़ हो गया है, और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है काफी ज्यादा गीला है। एंड गाइज, लास्ट वाले वीडियो पे आपने क्या रिस्पांस दिया यार, इतना अच्छा रिस्पांस मिला। सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई हमारा 3K सब्सक्राइबर हो गया है। भाई बिग थैंक्स उन लोगों को जो लोग इतना सपोर्ट करते हैं भाई, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब मुझे चैनल पे काम करके। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अब अपना चैनल जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और लास्ट वाला जो डिलीवरी वीडियो था निंजा 400 का, वो यार क्या रिस्पांस मिला है आप लोगों का, मतलब यार अनबिलीवेबल रिस्पांस मिला है। उस वीडियो का इम्प्रेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई दिस इज ऑल न्यू निंजा 400 2022। जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट नाइट काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ है, तो अभी निंजा 400 का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। तो अभी इसको इग्नोर करिए, क्योंकि अभी यार मानसून का मौसम चल रहा है, तो ये नॉर्मल है, बारिश तो होगा ही होगा। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका फ्रंट व्यू, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है निंजा 650 से, और देख सकते हैं 300 से अगर इसको कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है 300 से। और आपको इसमें मिल जाता है भाई LED लैंप। और चलिए अब आते हैं इसके रियर व्यू पे, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है ZX10R से। ये जो टेल लाइट है ना भाई, एकदम आपको टेनार का याद दिलाएगा। एंड गाइज, अगर टायर साइज़ की बात करें तो आगे आपको मिल जाता है 110/70, और पीछे का टायर आपको मिलता है 150/60, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है टायर पीछे का। और निंजा 300 से आप कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, निंजा 300 में 140 है। एंड गाइज, अगर पिलियन कंफर्ट की बात करें इस बाइक पे, तो पिलियन कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। पीछे का सीट काफ़ी ज़्यादा टाइट मिलता है भाई, जिससे कि जो पिलियन राइडर है ना उसको बैठने में दिक्कत होगा भाई, काफ़ी ज़्यादा जर्क उसको फील होगा। और अगर राइडर सीट की बात करें तो काफ़ी सही है, राइडर सीट आपको सही है, लेकिन पिलियन कम्फर्ट की बात करें तो भाई पिलियन कम्फर्ट बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल जैसा कि मैंने बताया लास्ट वीडियो में कि ये जो बाइक है ना भाई, बिहार झारखंड में दूसरा यूनिट है, पहला यूनिट भाई बिक चुका था, ये जो है ये दूसरा यूनिट है। एंड गाइज, फिलहाल ये बाइक चल चुकी है 726, मतलब ऑलमोस्ट 1000 होने वाला है। तो पहला सर्विसिंग काफ़ी नज़दीक है इसका, तो पहला सर्विसिंग का भी वीडियो आएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी ज़्यादा वीडियो आएगा निंजा 400 से रिलेटेड। और ये जो की है ना भाई, ये की देखोगे तो आपको ZX10R की तरह, सेम टू सेम ZX10R की तरह की है, तो काफ़ी मतलब प्रीमियम लग रहा है ये की देखकर, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम की है। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, मतलब कह सकते हैं कि पूरा सिमिलर है निंजा 650 से। और इससे पहले वाला जो मॉडल था 400, जो कि डिसकंटिन्यू हो गया था इंडिया से, उसका भी इंस्ट्रूमेंट कंसोल एकदम सेम था। आपको एक चीज़ दिक्कत बहुत ज़्यादा होगा इस बाइक में, ये जो मिरर है ना काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो जिसके कारण आपको ट्रैफिक में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा इस मिरर को लेकर। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग ट्रैफिक एरिया में हो तो भाई इस मिरर को आप लोग बंद कर लो, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। और जो एक्सपीरियंस राइडर है भाई, उसको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन जो नॉर्मल इंडियन बाइक से अगर स्विच कर रहे हैं निंजा पे, तो भाई उनको दिक्कत होने वाला है। टैंक की बात करें तो भाई 14 लीटर का टैंक है, मतलब एक बार फुल करो तो भाई लॉन्ग राइड पर निकल जाओ। और भाई पावर की बात करें तो 45 PS का पावर और 37 Nm का टॉर्क है इसमें, इस बाइक में, और काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 300 से काफ़ी ज़्यादा इसका टॉर्क है। 300 का जो इनिशियल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम फील होगा आपको, 7 से 8 हज़ार RPM के बाद उसका जो टॉप एंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस बाइक की बात करें तो इसका जो इनिशियल है ना वो 300 से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 0 to 100 की बात करें तो भाई यह बाइक 4.3 सेकेंड में भाई 0 to 100 जाती है। सबसे अच्छी बात कावासाकी में मुझे ये लगा कि 300 और 400 या निंजा 650 आप ले लो, ये तीनों बाइक में आपको जो है पैरेलल ट्विन सिलेंडर मिलती है, जिसके कारण गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। भाई प्राइस की बात करें तो भाई पटना में आपको ये बाइक ऑन रोड पड़ेगा 6 लाख का, और 400 के सीसी में भाई इससे महंगी बाइक मैंने कभी नहीं देखा है। इसका टॉप एंड जो है ना भाई, वो 200+ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भाई स्पीड इसका टॉप एंड ना काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि मैंने बताया कि इसका टेल लाइट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है ZX10R से, और अभी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। चलिए एक बार इसका साउंड आपको सुनाते हैं। पिछले वाले 300 से इसका जो पिस्टन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा चेंज है 300 से। और अभी इसका जो साइलेंसर है ना वो स्टॉक साइलेंसर है, तो अभी उतना ज़्यादा लाउड आवाज़ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसका आवाज़ 300 से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका जो पिस्टन है ना 300 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो भाई ये रहा आवाज़ निंजा 400 2022 का, जो कि अभी स्टॉक साउंड है।
और जब इसमें एग्जॉस्ट लगेगा ये काफी ज्यादा लाउड हो जाएगा। तो गाइज यहीं तक था आज का वीडियो, कैसा लगा वीडियो भाई कमेंट करके जरूर बताना। और निंजा 400 से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख के बताना। ऐसे भी भाई इसका फर्स्ट सर्विसिंग होने वाला है, अभी 300 किलोमीटर और चलेगा तो इसका फर्स्ट सर्विसिंग हो जाएगा, तो उसका भी एक प्रॉपर वीडियो आएगा फर्स्ट सर्विसिंग का। तो चलिए जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं भाई चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, तो फिर बाय बाय।